विद्यालय में हम लोग जब से हैं तब से सभी दृढ़तापूर्वक यहाँ के सभी पत्रकार साथियों से मंत्रालय का नियमित भेंट घाट होते रहा है। निरंतर हम लोग कार्यक्रम में मंत्रालय के कार्यक्रम में कभी गैप हो जाता है तो मंत्रालय स्वयं से आप लोगों को बुला करके हम लोग अपनी बात को कहते रहे हैं। उसी बात का निरंतरता है ये। इस बीच में हम लोगों ने काफी काम किया है जो हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों में आप लोगों से बताते रहे हैं, आग्रह करते रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कार्यालय सबका जिला जिला में स्थापना किया, ये बहुत बड़ी बात है। यद्यपि केंद्र सरकार ने अत्यंत ही अवैज्ञानिक तरीका से कार्यालय का संरचना किया, लेकिन जनता को तकलीफ न हो तो, और जनता का जो डिमांड था उसके अनुसार हमारे मंत्री परिषद से, हमारे मंत्रालय से निर्णय करके भी कई कार्यालय को हम लोगों ने जन आकांक्षा अनुरूप स्थापित किया। उदाहरण के लिए पूर्वाधार कार्यालय केंद्रीय संरचना अनुसार प्रत्येक दो जिला के बीच में एक डिवीजन कार्यालय रखने का संरचना है। खाने पानी कार्यालय को डिवीजन के रूप में प्रत्येक दो जिला मिला करके एक जिला में रखने का संरचना था, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश के एक जिला का जनसंख्या कम से कम 7 लाख से के आसपास है और दो जिला को अगर मिला देते हैं तो 14-15 लाख लोगों को सेवा देना एक जगह से संभव नहीं था। और फिर हम लोगों ने तो कहा था कि हम लोग सिंह दरबार को घर घर तक पहुंचाएंगे, सेवा सुविधा अगर सुलभ तरीका से पहुंचाएंगे। तो इस मान्यता अनुरूप मंत्रालय ने निर्णय करके कैबिनेट से पास करा करके हम लोगों ने प्रत्येक जिला में संपर्क कार्यालय खोलने का निर्णय किया। और आज आप देखेंगे कि पूर्वाधार कार्यालय भी प्रत्येक जिला में है, खाने पानी कार्यालय भी प्रत्येक जिला में है और काम सब हो रहा है। उसी दरमियान हम लोगों ने कुछ और महत्वपूर्ण सब योजना सरकार ने लाया, क्योंकि विकास के बारे में आप जानते हैं कि जनता के एक प्रकार का महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, बहुत तीव्र आकांक्षा है कि हमारे यहाँ तीव्र गति से विकास हो। सरकार को उसने अगर देखने को मौका मिला तो प्रदेश सरकार को सरकार के रूप में अपनत्व वाला सरकार देखने को मिला उसको, तो इस नाते वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोगों का प्रेशर भी है। अब लोग विकास के कारण इतना तक भूल जाते हैं कि कौन योजना हमको प्रदेश से लाना है और कौन योजना हमारा ग्रामीण या वार्ड का योजना है। तो छोटी छोटी योजना के लिए भी लोग मंत्रालय में आते हैं। मैं इसको नकारात्मक नहीं, बहुत सकारात्मक लिया, लोगों की आकांक्षा है, लोगों को जगह नहीं मिलता है, लेकिन इतना के बीच भी मंत्रालय काम कर रहा है। विकास निर्माण से जुड़ा हुआ, प्रत्यक्ष जनता से जुड़ा हुआ ये काम है हमारा मंत्रालय का। 4-5 सेक्टर, महत्वपूर्ण सेक्टर में हम काम देखते हैं, जैसे प्रादेशिक रोड में पूर्वाधार के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, खाने पानी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, भवन के क्षेत्र में, ये सारा क्षेत्र को भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय काम करता है। आप बखूबी जानते हैं कि अखिल बार का जो हम लोगों ने बजट बनाया 75 क्षेत्र का, ये केंद्र के द्वारा एलोकेट बजट में से हम लोगों ने उसका व्यवस्थापन करने का काम किया। अपने पास कोई रेवेन्यू डायरेक्ट आने का स्थिति नहीं था, ज्येष्ठ महीना में हम लोगों ने बजट का परिकल्पना किया था, आया ही ज्येष्ठ महीना के 1:30 बजट आया। तो उसी प्रकार से वह जो प्राप्त बजट था उसी बजट में हम लोगों ने 5 सेक्टर को टच किया। आपको पूर्वाधार के क्षेत्र, सिंचाई के क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र, भवन के क्षेत्र, और जब हम लोग को डिमांड को अगर हम देखेंगे, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं आपको, आपको मालूम होगा कि क्योंकि इतना बृहत्तर कभी नहीं बताया,
जब काम करने लगे, डिमांड को देखेंगे तो आपको एक के बाद एक डिमांड है। अगर पांच आदमी आता है तो वो चार चीज कम से कम मांगता है। हमारे यहाँ सड़क बना दीजिए, हमारे यहाँ कूलो बना दीजिए, बांध पहन दे दीजिए, हैंडपाइप का इतना समस्या है कि ठंडे पानी डाल दीजिए, और एक तो कम से कम धर्मशाला बना ही दीजिए। इस प्रकार से सामुदायिक भवन का भी उतना ही डिमांड, खाने पानी का भी उतना ही डिमांड, सड़क का भी उतना ही डिमांड, और सिंचाई का भी उतना ही डिमांड। तो ये सारे के बीच में आपको जो हम आज सवेरे हिसाब कर रहे थे, तो लगभग हमारा आंतरिक बजट 300 करोड़ का बजट था, 300 के आसपास, 300 से कम ही है। और उसमें आपको सारा सेक्टर को मैंने बताया, उस सारा सेक्टर को आपको टच करना था, फिर भी मंत्रालय ने बहुत ही बारीकी से सभी में कुछ ना कुछ हम लोग बजट रखे, ताकि हम लोग जनता के काम को अंजाम दे सके, सबको यहाँ विकास निर्माण पहुंचा सके। जब हम लोग बजट बना रहे थे, एक यथार्थ को आपको समझना होगा कि हमारे पास मैन पावर कम थे। सरकार स्थापना हुई थी फागुन में, और आपको ज्येष्ठ में बजट देना था, एक बीच में प्री बजट जैसा देना था, पूरक बजट जैसा। फिर भी हम लोग के पास कोई आधार न था, कोई निचले स्तर का मंत्रालय बाहे का कोई कार्यालय न था, जिस कार्यालय से हमको फीडबैक मिलता। तो जो भी लोग आते, हम लोगों ने उसको कंसीडर किया, माननीय के बजट को, उनके डिमांड को, उनके आग्रह को किया। अब फिर बार प्रदेश सरकार का विकास मंत्रालय सब, हम लोगों ने प्रादेशिक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मंत्रालय ने एक मन बनाया, और रिसर्च कर बने, इसमें छानबीन करके हमारे मातहत के सभी कार्यालयों से हम लोगों ने बातचीत करके निर्देशन दिया है, और हमने चार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अगली बार के बजट से, जब तक ये संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक मंत्रालय ने इसको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना है, प्रादेशिक महत्व का परियोजना। तो उसमें हम लोगों ने माना है कि प्रदेश को पूरे जोड़ने वाला, आठों जिला को जोड़ने वाला, प्रत्येक जिला में कम से कम 25 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में पड़ने गरी आपको लगभग 250 किलोमीटर का हम एक प्रादेशिक सड़क निर्माण करेंगे, डबल लेन का, एकदम आपको जो आठों जिला का जोड़ेगा, जनता की पहुंच को, कनेक्टिविटी को और ज्यादा वो सहज करेगा। और जो दो हमारे पास जो आपके पास अभी तक एक कहिए ना कि कनेक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए दो मार्ग है महत्वपूर्ण मार्ग, एक बना हुआ है पूर्व पश्चिम जो है सो हाईवे, और एक बनने के प्रक्रिया में है कुलाकी राजमार्ग, पता नहीं वो हमारे भाग्य में कब देखने को मिलेगा। और ये दोनों के बीच में जनता के सहज पहुंच के लिए, और ये प्रदेश की जनता को और एक दूसरे से अंतर घुलन के लिए, हमारे आर्थिक अवस्था को उकासने के लिए, हमारे कृषक को अपने उपजनी को और बाजार तक पहुंचाने के लिए और सहज पहुंच के लिए हम लोगों ने एक प्रादेशिक सड़क, प्रोविंशियल रोड हम निर्माण करेंगे। और इसके लिए हमने चारों डिवीजन को, आठों जिला को परिपत्र किया है, और उनको हमने कहा है कि इसका प्रारंभिक अध्ययन करिए, अलाइनमेंट का बातचीत करिए, और हम लोग इसके लिए अलग प्रोजेक्ट बना करके और कार्यालय खड़ा करके इस प्रोजेक्ट को हम लोग लॉन्च करेंगे, और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक प्राइम प्रोजेक्ट होगा। उसी प्रकार से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि इस प्रदेश का GDP में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी क्षेत्र का है तो वो है आपको कृषि क्षेत्र। प्रदेश नंबर दो का नहीं, अपितु पूरे देश का ही GDP में सबसे ज्यादा योगदान प्रदेश क्या कहते हैं, कृषि का है। और कृषि जिस बात पर आधारित है वो है सिंचाई, लेकिन हम आकाशीय सिंचाई के आधार पर हम अभी तक हम डिपेंड हैं, आधारित हैं। तो हमने, हमारे मंत्रालय ने, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लाया है कि खेत खेत को पानी और हाथ हाथ को काम, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और सिंचाई का मतलब खाली ट्यूबवेल गाड़ दिए या डैम बना दिए या कुलो बना दिए, कुलो है लेकिन खेत में पानी नहीं है, सिंचाई ट्यूबवेल है लेकिन संचालन नहीं, उसका पानी नहीं है, तो वो नहीं। अब पानी का संबंध खेत से है, और इस प्रोजेक्ट के तहत हम इसको महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, प्रदेश का ये सबसे जनता से, किसान से जुड़ने वाला प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग मंत्रालय अब इसको
इस लाइन में हम डैम बनाएंगे, डीप ट्यूबवेल गाड़ेंगे, हम आपको ड्रिल ट्यूबवेल में जाएंगे और हम लोग नेशनल आपको दात्री संस्था एडीबी हमारे केंद्रीय मंत्रालय सबसे हम लोग बात करके और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। तीसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6-7 वर्ष से जनता आवास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वो इतना व्यथितपूर्ण अवस्था में है कि उससे कौन लाभग्राही कितना लाभ लिया न इसका हमारे किसी के पास, न केंद्रीय सरकार के पास न कोई डाटा है, न कोई आज तक कहा खड़ा होकर के कि हम लोगों ने ये काम किया है। हमने पिछले वर्ष जो बहुत हमारे पास 3 महीने का टाइम था, हमने 12 जिला में 10 डोम का घर हम लोगों ने बना करके हैंडओवर किया और वो हमको इतना प्रेरणा दिया कि डोम का जो घर विहीनता का स्थिति है, मुसहर जाति का जो घर विहीनता का स्थिति है, मेस्तर और हलखोर का जो घर विहीनता का स्थिति है, तो हमने एक सरकार ने हमारी एक नीति लिया है कि ये 4 जाति को जनता आवास कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश सरकार ये 8 जिला में ये 4 जाति के लिए हम लोग पहले आवास की व्यवस्था करेंगे, घर बनाएंगे और इनको हम पूरे, अब ये 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, कितना दिन होता है उस काम से, हम लोग इनके घर विहीनता के अवसर और ये 21वीं शताब्दी में भी लोग होमलेस रहे तो इससे बड़े विडंबना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये 4 जाति जो सबसे महादलितों में भी एकदम महादलित, जिनके पास अपना जमीन भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक नीति बनाया है कि जिनके पास अपना जमीन नहीं हो तो कम से कम स्थानीय निकाय उनको भोगा अधिकार का भी अगर कागज देता है तो हम उनके लिए घर बनाएंगे। और ये काम हमने प्रारंभ किया है, जनता आवास का कार्यविधि हमने पास किया है, जिला जिला में हम तुरंत अब समिति बनाएंगे और ये काम हम प्रारंभ करेंगे। ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रदेश में कम से कम डोम जाति का घर विहीनता का अवस्था समाप्त होगा, मुसहर जाति को हम घर विहीनता का अवस्था को समाप्त करेंगे और उसके बाद क्रमशः जो अन्य दलित हैं और विपन्न जो परिवार हैं, मान लीजिए कि दलित के बाहेक जो विपन्नता है उनको भी हम प्रदेश के लोग हम लोग उसको देखेंगे। तो ये 3 इस प्रकार से बताया। और चौथा जो नीति कार्यक्रम में हमने लाया था, प्रदेश सरकार ने लाया था इससे पहले, और उसमें हम आपके साथ बहुत ये बात कहते हुए मुझे आज खुशी हो रही है कि हमने कहा था कि हमारे यहाँ लोग काठमांडू में कहते हैं, आज भी मैंने उस कार्यक्रम में कहा था कि हमारे यहाँ लोग काठमांडू में कहते हैं कि प्रदेश नंबर 2 में कोई एनर्जी का संभावना नहीं, हाइड्रो एनर्जी के बाहर उनको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। एक अध्ययन ने बताया, अभी हम काठमांडू में गए थे तो हमको लोगों ने बताया, एक्सपर्ट लोगों ने, कि 15,000 मेगावाट सोलार से हम बिजली प्रदेश नंबर 2 में निकाल सकते हैं, इतना संभावना। जिस तरह से हम कहते हैं कि 88,000 मेगावाट का हाइड्रो का संभावना है, पता नहीं हम लोग जब 10 वर्ष के थे तभी से ये सुन रहे थे, अब 50 वर्ष के हो गए नहीं, तो आप मैं बता रहा हूँ, तो मेरा कहना है कि 88,000 है तो खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते। 15,000 लोगों ने बताया हमको, तो हमने कहा ठीक है 15,000 जब होगा तब होगा तो उसको हम लेंगे, लेकिन आज तो हमारे पास 1 मेगावाट में बिजली प्रदेश नंबर 2 में नहीं है, तो कम से कम हम 50 मेगावाट बिजली प्रदेश सरकार अपना पहल में जो है सो सोलार का हम प्रारंभ करने का ठाना है। और इससे हम लोगों ने काफी जगह से, जब ही हमने नीति कार्यक्रम लाया है तभी से इस पर काफी लोग आपको मैं जान करके आप लोगों को जानकारी कराते समय मुझे आज फख्र हो रहा है, गौरव हो रहा है कि जब हमने इस प्रोग्राम को लाया तो यूरोपियन लोग, इवन एडीबी के लोग, केंद्रीय सरकार के लोग, चाइनीज लोग, भारतीय लोग, कई लोग जो सोलार एनर्जी में काम कर रहे हैं वो लोग हमारे मंत्रालय के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं कि सर हम लोग बनाएंगे। लेकिन विधि प्रक्रिया में जो ट्रबल है, आप जानते हैं कि इसका कानूनी कई चीज का
देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को व्यवस्थापन करके हम इसमें फड़को मार रहे हैं। प्रदेश सभा में हमारा प्रादेशिक विद्युत एन चला गया है, कैबिनेट से पास हो चुका है, अब वो समिति में है, हाउस खुलते ही वहां से पास होगा और इसमें हम लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से चार क्षेत्र को हम लोगों ने प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय ने प्रदेश को गौरव योजना हम लोगों ने प्रादेशिक गौरव का योजना कि ये हम बनाएंगे। और आप लोगों ने कहा अभी साथियों ने कि टुकड़ा टुकड़ा योजना एक संक्रमणकालीन अवस्था में था, हम लोगों ने इसको मज्जा से ये सभी का अलाइनमेंट होगा, गोल लेन का एक ढंग का एक सड़क होगा और इसके बाद भी मंत्रालय अभी हम लोग विकास का छोरबल प्रत्येक आठों जिला में जा रहे हैं चलाने, ताकि वो आने वाला बजट के लिए हमारे लिए और ज्यादा वो महत्वपूर्ण फीडबैक होगा। जिला में लोग आते हैं, ये मेरा योजना, ये मेरा योजना, ये मेरा योजना, और क्यों जिला का योजना बने, इस प्रकार से हम लोग काम करना चाहते हैं, पर वो तफसील में लाते हैं। ये चार महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानकारी लोगों ने मंत्रालय की ओर से कराया और इस पर हम लोग काम करेंगे। इस पर काम करना प्रारंभ हो गया है तो निश्चित होगा और ये काम निकट भविष्य में ही प्रदेश ये कार्यक्रम सब तो आप लोगों का वो तो नीति तथा कार्यक्रम में आ चुका है। ये कार्यक्रम सब तो आप बोल रहे हैं नहीं सब नहीं आपको सड़क नहीं ये भी आया है, प्रादेशिक सड़क भी आया है।